Okay. So finally, I'm here. Good evening, Ritik, Sakshi, Atul, Jyoti. चलो तो हम लोग जाते हैं अब हमारी करंट अफेयर्स की स्क्रीन पे. गिव मी अ सेकेंड. आवाज आ रही है मेरी? ओके, थैंक यू साक्षी. ठीक है, चलो. तो अब एक सेकेंड रुक जाओ. ओ, फाइनली आई एम विजिबल ऑल्सो. ठीक है, पता नहीं पिछले लेक्चर में क्या हो गया था मेरे कैमरा को. ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ मिनट. फाइनली आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. आई फील रियली गुड. ऑब्वियसली आई एम अ लिटिल कैमरा कॉन्शियस एज यू कैन सी. ठीक है, तो दिस इज द करंट अफेयर्स एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस नेक्स्ट पार्ट. चलो, ठीक है. तो अब हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में अगर बात करें तो करंट अफेयर्स का सिलेबस काफी छोटा है. अगर आप लोग देखोगे तो आपकी मॉड्यूल खुद 91 पेजेस की है, जिसमें से ये जो फर्स्ट चैप्टर है, एक सेकंड ना, ये जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों आपका इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, इसके बारे में आपको एक इंस्टीट्यूट ने खुद ही एक सर्कुलर या फिर ऐसा ही कुछ, क्या बोलते हैं उसे, एक मैगजीन या सर्कुलर कुछ दिया है, तो वो चैप्टर हम वहां से करेंगे. और अब आपका जो ये पूरा सिलेबस है चार चीजों में डिवाइडेड है. अब बिकॉज दिस इज करंट अफेयर्स, यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि ये अपडेट होते रहेगा. इट विल नॉट बी दैट कि ये सेम रहेगा हमेशा हमेशा हमेशा. ठीक है, करंट अफेयर्स है, जो करंट में चल रहा है ठीक है वही यहाँ पे नजर आएगा. तो सबसे पहला इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स में हमारी कंट्री का दूसरे कंट्रीज के साथ क्या चालू है, दैट विल बी सीन. ठीक है, या ई बुलेटिन. थैंक यू अतुल. ई बुलेटिन, ई बुलेटिन मैंने वो पढ़ा, मैं अचानक से भूल गया था. ई बुलेटिन हम लोग फर्स्ट चैप्टर उससे करेंगे. फाइनेंशियल अफेयर्स में हम पैसों से रिलेटेड, पॉलिटिकल अफेयर्स में हमारे देश में क्या चल रहा है, एंड लीगल एंड अदर अफेयर्स. ठीक है, तो आज हम जंप करते हैं स्ट्रेट अवे फाइनेंशियल अफेयर्स पे. ई बुलेटिन वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, दैट इज अपडेटेड. ठीक है, तो आज हम जंप करते हैं कहाँ पर, ऑन फाइनेंशियल अफेयर्स. पेज नंबर 46 पे है आपके मॉड्यूल में. ठीक है, इंटरनेशनल और नेशनल मतलब आधा चैप्टर तो देखो फर्स्ट पेज में ही था. अब आते हैं हम फाइनेंशियल अफेयर्स पे. ठीक है, अब फाइनेंशियल अफेयर्स में हम लोग सबसे पहले हमारे देश की फाइनेंस के बारे में बात करेंगे. अब मुझे बताओ बच्चों, फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है? सर, फाइनेंस का मीनिंग होता है मनी. फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है? फाइनेंस का मीनिंग होता है मनी, एंड मनी विच इज प्रोवाइडेड फॉर डूइंग बिजनेस. ओके, ठीक है. तो हम फाइनेंशियल अफेयर्स की अगर बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में हमें बात करनी ही पड़ेगी, दैट इज द बैंकिंग सिस्टम ऑफ आर कंट्री. यस और नो, हमारे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम के बारे में हमें यहाँ पे बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे कंट्री का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बैंक्स चलाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बैंक्स की अगर बात करें तो मदर ऑफ ऑल बैंक्स,
मदर क्यों? क्योंकि सभी को कंट्रोल करना, सभी को डिसिप्लिन में रखना, सभी बैंक्स को सही तरीके से आगे चलाने का काम करती है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? सो वी कैन कॉल दिस एज द मदर ऑफ ऑल बैंक्स, बट एक्चुअल में इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आर कंट्री. इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आर कंट्री एंड दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है, पूरी बैंकिंग सिस्टम के लिए रूल्स बनाती है. बैंक्स को अगर लोन देना है तो कौन सी चीजों के लिए बैंक्स लोन दे सकती है, कौन सी चीजों के लिए बैंक्स लोन नहीं दे सकती है, कितना डाउन पेमेंट होना चाहिए, कितने ईएमआईज होने चाहिए, सब कुछ यहाँ पे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ? अप्रैल 1, 1935. सो बिफोर इंडिपेंडेंस हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हो चुका था. ब्रिटिशर्स ने ऑब्वियसली इसे बनाया था और तब ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, समझा? और तब हमारी कंट्री में आपको अगर लगता होगा कि ब्रिटिशर्स ने बनाया है, अग्रीड, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल. ब्रिटिशर्स इतने स्मार्ट है, उन्होंने कोई ब्लेम रखा नहीं है अपनी अपनी हिस्ट्री का. हम हमारे हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स को ब्लेम करते हैं, बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं, बट उन लोगों ने अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं रखा है. उन्होंने उस जमाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाई थी बच्चों, ठीक है, रिमेंबर दिस. उन्होंने उस जमाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाई थी. नो डाउट इसमें मैक्सिमम ब्रिटिशर्स ही थे, ठीक है, इसमें मैक्सिमम ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे, ठीक है, किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में. बट ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, ये एक इलेक्टेड बॉडी थी, ठीक है. इंडिया में सबको वोट करने का अधिकार नहीं था तब. ब्रिटिशर्स उन्हीं को वोट करने का अधिकार देते थे जिनको उनको जो जिनको जो उन्हें पता है, जो उन्हें सपोर्ट करते हैं. तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ब्रिटिश, ये एक इलेक्टेड बॉडी था. मतलब लोगों ने ही हमें इलेक्ट किया और हम लोगों के लिए ये देश चला रहे हैं. तो अगर आप ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ोगे तो उन्होंने अपने आप को हीरो बना के रखा है उसमें. तो उस गवर्नमेंट ऑफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते थे उसको, उन्होंने बनाया है ये आरबीआई एक्ट 1934. उन्होंने कौन सा एक्ट बनाया? आरबीआई एक्ट 1934. और उस एक्ट में लिखा था कि इस देश की बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा विच विल बी कॉल्ड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एक्ट बना 1934 में, एक्ट में लिखा था कि आरबीआई बनेगा, आरबीआई को कैसे चलाया जाएगा, उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, उसके फंक्शंस क्या होंगे. और उस एक्ट के हिसाब से फिर अप्रैल 1, 1935 पे क्या बन गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. द सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इनिशियली एट कैलकटा. कोलकाता को उस जमाने में कैलकटा बोला जाता था, बट 1937 में परमानेंटली मुंबई शिफ्ट हो गया. करंट अफेयर्स का मतलब समझ जाओ कौन बनेगा करोड़पति. आपको करंट अफेयर्स का मतलब समझ जाओ कि ये कौन बनेगा करोड़पति जैसा है. कौन बनेगा करोड़पति में कोई भी सब्जेक्ट पे सवाल पूछ सकते हैं, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ये वो. यहाँ पे आपको चार ही सब्जेक्ट्स हैं जिन पे सवाल पूछे जाएंगे. सर, ये सिलेबस क्यों डाला है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, सॉरी हमारी इंस्टीट्यूशन ने, हमारी इंस्टीट्यूट ने ये सिलेबस इसलिए डाला है ताकि बीइंग अ सीएस, आप एक कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हो तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हमारे देश में क्या चालू है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या चालू है, कौन बड़े बड़े बिजनेसमैन है. क्यों मालूम होना चाहिए? क्योंकि सीएस बनने के बाद बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में आप काम करने वाले हो. दैट्स व्हाई यू शुड नो अ लॉट अबाउट द कंपनीज एंड व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री राइट नाउ, ठीक है. तो अब अगर बात करें हम आगे, तो मुंबई में 1937 में आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस शिफ्ट हो गया. आज भी वहीं पर है आरबीआई के, वैसे बहुत ऑफिसेज है बट हेड ऑफिस मुंबई में है. और दिस इज वन मोर रीजन कि मुंबई हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल बन गया. भले ही हमारी देश की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली है, इट्स नॉट दिल्ली, इट इज न्यू दिल्ली, बट मुंबई हमारी देश का कैपिटल बन गया है, ठीक है. सेंट्रल ऑफिस मतलब क्या? सर, मुंबई में जो ऑफिस है उसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि आरबीआई के जो गवर्नर है, जैसे कंपनी के सीईओज होते हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के सारे डिसीजंस लेते हैं, हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हमारे स्टेट के सारे डिसीजंस लेते हैं, आरबीआई के सारे डिसीजंस गवर्नर लेते हैं. तो गवर्नर रोज उनका मेन ऑफिस सेंट्रल ऑफिस में होता है, ठीक है, और सारे पॉलिसीज यहीं पर बनते हैं. पॉलिसीज मतलब लोन किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, बैंक्स के लिए रूल्स बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड इन मुंबई. दो ओरिजिनली इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड, 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हो गया. अब प्राइवेटली ओन्ड का मतलब क्या? पहले आरबीआई प्राइवेटली ओन्ड था बच्चों. प्राइवेटली ओन्ड का मतलब आरबीआई के कुछ ओनर्स हुआ करते थे. अब आप ही बताओ, आरबीआई नोट्स इशू करता है, आरबीआई नोट्स इशू करता है, करेंसी नोट्स, ठीक है. तो अगर मुझे, सपोज मुझे आरबीआई का ओनर बना दिया, तो मैं जो भी नोट्स इश्यू करूंगा वो मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी. इसका मतलब मैं इस कंट्री को राज कर सकता हूं. इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं चलेगा भैया, इसको नेशनलाइज कर देते हैं.
नेशनलाइज कर देते हैं मतलब क्या, हेड ऑफिस इज कॉल्ड सेंट्रल ऑफिस, यस अतुल करेक्ट, आई एम सॉरी थोड़ा लेट पढ़ रहा हूं मैं चैट्स, ठीक है। सो सिंस नेशनलाइजेशन मतलब 1949 में हमारी गवर्नमेंट ने इसका ओनरशिप ले लिया। रिसेंटली आपको अगर पता होगा टाटाज ने एयर इंडिया खरीद लिया, टाटाज ने एयर इंडिया खरीद लिया। बच्चों क्या था, इंडिपेंडेंस के पहले ये जो एयर इंडिया था ना ये टाटाज का ही था, समझा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमारे उसे नेशनलाइज कर दिया, नेशनलाइजेशन का मीनिंग गवर्नमेंट ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया, तो वैसे ही आरबीआई का भी हुआ। आरबीआई इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सम ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ आरबीआई, अब ये इंपॉर्टेंट है याद रखना है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है ठीक है तो भी आपको नहीं पढ़ा होगा, आपने 12th तक इकोनॉमिक्स में आ जाता है ये। पहला इट इज द मॉनेटरी अथॉरिटी, मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब डिसाइड्स ऑन मनी सप्लाई। एक सेकेंड लेट मी जस्ट रिड्यूस द मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब डिसाइड्स अबाउट द मनी सप्लाई इन आर कंट्री, हमारे देश में कितना मनी सप्लाई होगा उसके बारे में आरबीआई डिसाइड करती है। हमारी देश की जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम मतलब लोन देने वाली सिस्टम या लॉन्ग टर्म कैपिटल देने वाली सिस्टम, इनको रेगुलेट और सुपरवाइज करना। सर दो चीजें बोलिए, पहला रेगुलेट, सर रेगुलेट का मतलब क्या, आरबीआई फाइनेंशियल सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर लोन लेना है आपको तो क्या जनरल प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए, कुछ भी करना है तो उसके लिए रेगुलेशंस आपको बताते हैं प्रोसेस। और अगर बैंक्स को या फाइनेंशियल सिस्टम में जो भी लोग है ब्रोकर्स बैंक्स, इनको अगर सुपरविजन की जरूरत पड़ी कि सर ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, तो आरबीआई ये सुपरविजन देता है। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमारी कंट्री में जो भी फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज यूएस करेंसीज जैसे यूएस डॉलर्स, उसके अलावा क्या क्या आता है हमारे करेंसी में, पाउंड्स एक्सेट्रा, इन सब को मैनेज करने का काम आरबीआई करती है। इसका मतलब अगर मुझे फॉरेन कंट्री में जाना है जिसके लिए मैं यूएस जाना चाहता हूँ, यूएस जाने के लिए मुझे यूएस डॉलर्स चाहिए, तो मैं किसी बैंक के पास जाके बाय करूंगा, बट वो बैंक मुझे कितना दे सकती है, मैं कितना खरीद सकता हूँ, इसके जनरल रूल्स आरबीआई बनाता है। और वो बैंक जिसके पास मैं जा रहा हूँ, उस सपोज मैं एसबीआई के पास चला गया, एसबीआई के पास जाके बोला कि मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे 1000 डॉलर्स की जरूरत है, तो एसबीआई आरबीआई से वो पैसा लेके देगी या आरबीआई की परमिशन से देगी। हर बार परमिशन नहीं मांगी जाती है, आरबीआई जनरल गाइडलाइंस दे देता है। इशूअर ऑफ करेंसी, नए नोट जो प्रिंट होते हैं ठीक है, करेंसी नोट्स, ये प्रिंट करने का जो कंट्रोल है वो आरबीआई के ऊपर है। अगर आप नोट पे सिग्नेचर देखोगे, अगर आप नोट पे सिग्नेचर देखोगे तो सिग्नेचर आपको किसका मिलेगा, गवर्नर ऑफ आरबीआई, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। आप 1 रुपी नोट पे गवर्नर ऑफ आरबीआई का सब सिग्नेचर नहीं होता है, हर नोट पे गवर्नर ऑफ आरबीआई का सिग्नेचर होता है। दिस इज अ प्रूफ कि दोज नोट्स आर इशूड बाय आरबीआई। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट रोल, किसको डेवलप करना, हमारी कंट्री की फाइनेंशियल सिस्टम को। आप बोलोगे कि सर क्या गवर्नमेंट ने, क्या आरबीआई ने ये रोल प्ले किया है, क्या आरबीआई ने हमारी फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप की है। यस बच्चों, एक जमाना था हमारे कंट्री में चीजों के लिए लोन तक नहीं मिलता था, बैंक्स को पता नहीं था देश कैसे चलाना है, कौन सी चीजों के लिए लोन देना है। आज हमें, आप बिलीव नहीं करोगे, आज आपको अगर एक शॉर्ट्स खरीदनी है ना, शॉर्ट्स चड्डी, शॉर्ट्स खरीदने के लिए भी आपको लोन मिल जाता है, समझा। यहाँ पे शशिकांता दास इज द आरबीआई गवर्नर, ओके ठीक है। अब एक बार ऐसे हुआ, मैं पुणे में था, पुणे में एक मॉल में गया मैं, यू नो मॉल, यस पुणे में एक मॉल में गया, मैंने कुछ शॉपिंग की, 1 रुपीज इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, यस अतुल करेक्ट ठीक है। तो पुणे में मैं एक मॉल में गया, शॉपिंग कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, हाँ फ्रेंड्स ही थे मेरे ठीक है, कौन था क्या खरीदा फॉरगेट दैट। अब मेरे एक फ्रेंड ने ना उसके जिम जाने के लिए 2-4 ब्रांडेड चीजें खरीद ली, शॉर्ट्स खरीद लिए, टी शर्ट खरीद ली, उसका बिल्कुल 6-7 हजार रुपए हो रहा था, ज्यादा नहीं ठीक है। एक बंदा आके उसके पास बोलता है, सर आप चाहो तो इसे ईएमआई पे कर सकते हो, आपका बिल जो है आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो ठीक है। मैं हंसने लग गया, मैंने बोला भाई साहब आज चड्डी खरीदने के लिए भी आप हमें लोन दे रहे हो ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूं बिकॉज आई डोंट लाइक सच थिंग्स ठीक है, क्या आप हमें चड्डी खरीदने के लिए लोन दे रहे हो, मतलब शॉर्ट्स। मेरे फ्रेंड को जिम के लिए शॉर्ट्स खरीदनी थी ठीक है और टी शर्ट्स खरीदने थे, 6 या 7 थाउजेंड कुछ बिल था, उन्होंने बोला 3 हजार रुपए के ऊपर बिल है तो हम इसको भी आपको लोन दे देंगे ठीक है। लोन दे देंगे मतलब क्या, इसके लिए हमारी फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रांग बनाना जरूरी है कि हम अगर किसी को 3-4 हजार का लोन दे दे तो वो भी आके रिटर्न कर देगा, यस।
हमारी आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम को इतना ब्यूटीफुली डेवलप किया है, ठीक है, नमस्ते शुभम, ठीक है, हमारी आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम को इतना ब्यूटीफुली डेवलप किया, आज हर एक के पास पैन कार्ड मिल जाता है, हर एक का बैंक अकाउंट है, ठीक है, बैंक उतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। बच्चों आपको नहीं पता, आप कभी आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, इनको पूछ लेना, बैंकिंग पहले हेडेक था, हेडेक, मंडे टू फ्राइडे बैंक चालू रहते थे, वो भी मॉर्निंग 10 o'clock से आफ्टरनून 2:30 3 o'clock तक, उसमें एक घंटे का लंच ब्रेक, और उसी दौरान आप आपके ही ब्रांच में, मेरा अगर ब्रांच ए में अकाउंट है तो मुझे उधर ही जाके पैसे डिपॉजिट करने हैं, उधर से ही पैसे विड्रॉ करने हैं, ये सब इतने इश्यूज थे बैंक में, लोग पैसे लगने से इसलिए डरते थे क्योंकि उस जमाने में बच्चों अगर पैसे अचानक आपको जरूरत पड़ गई पैसे की तो आपको पैसे विड्रॉ करने के लिए बैंक खुलने का वेट करना पड़ता था। आरबीआई ने आज कहां तक आ गए देखो, आज मैं एक फोन नंबर डाल के आपको आपके पैसे दे सकता हूं। आरबीआई ने डेवलप किया है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। पेमेंट एंड सेटलमेंट मतलब क्या, ये है बैंक वन, ये है बैंक टू, ध्यान दो इधर, पेमेंट एंड सेटलमेंट, वैसे नीचे सब कुछ डिटेल में है, बैंक वन बैंक टू, मेरा आप बैंक वन में अकाउंट है, कल्पक सर का बैंक वन में अकाउंट है, ठीक है, और आपका, ठीक है, मिस्टर ए का बैंक टू में अकाउंट है। मैंने जब इसको पेमेंट दे दिया, मैंने इसको चेक दिया मिस्टर ए को, तो मेरी बैंक पैसे मांगने आएगी, मेरे सॉरी मिस्टर ए की बैंक मेरे बैंक के पास पैसे मांगने आएगी, ठीक है, बैंक वन और बैंक टू के बीच में सेटलमेंट जो होगा कि कौन किसको कितने पैसे देगा, ये आता है इधर आरबीआई, उसका भी काम करती है पेमेंट का एंड अदर रिलेटेड फंक्शंस। सर थोड़ा फास्ट हुआ गया, नहीं, नीचे सब कुछ दिया है, सो डोंट वरी। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, आरबीआई का फर्स्ट रोल इज मॉनिटरी अथॉरिटी। मॉनिटरी अथॉरिटी मतलब फॉर्मुलेट इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर द मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी मींस पॉलिसी ऑफ मनी सप्लाई। हमारे देश में मनी सप्लाई कितना होगा ये डिसाइड भी आरबीआई करता है, इंप्लीमेंट भी, उतने ही नोट छापता है और ध्यान देता है कि उतने ही नोट सर्कुलेशन में है या नहीं। ये क्यों किया जाता है बच्चों, मनी सप्लाई को स्टेबल रखना जरूरी है। मनी सप्लाई को स्टेबल रखना जरूरी है मतलब क्या, ना मनी सप्लाई ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। मनी सप्लाई अगर ज्यादा हो गया, कभी भी याद रखना, कोई भी चीज जब ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मनी सप्लाई अगर ज्यादा हो गया तो मनी की वैल्यू कब हो जाएगी, लोगों के पास ज्यादा पैसे आ गए तो लोग उसे कहीं पे भी खर्चा करेंगे, प्राइसेस बढ़ने लग जाएगी, इन्फ्लेशन होगा। मनी सप्लाई कम हो गया तो मनी की डिमांड बढ़ जाएगी, सब सस्ता हो जाएगा, डिफ्लेशन होगा, दोनों भी नहीं चाहिए। हमें हमारी प्राइसेस को स्टेबल रखना है, प्राइसेस को अगर स्टेबल रखना है तो मनी सप्लाई को स्टेबल रखना पड़ेगा, ना ज्यादा पर करेंसी सप्लाई हो रहा है ना कम हो रहा है, इसीलिए आरबीआई ही डिसाइड करता है कितने नोट छपेंगे। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम prescribes broad parameters of banking operations within which the country's banking and financial system functions. Banks के लिए कुछ parameters set कर देती है RBI. Sir, parameters मतलब एक general guideline RBI दे देती है कि देखो आप जब loan दोगे, जैसे अलग अलग, अब किसी bank के पास एक student चला गया education loan लेने के लिए, student चला गया education loan लेने के लिए, मैं चला गया मैरिज लोन लेने के लिए, मुझे शादी करनी है तो शादी के लिए मुझे लोन चाहिए, मैं चला गया मैरिज लोन लेने के लिए, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड चला गया हाउसिंग लोन लेने के लिए। एक बात बताता हूँ बच्चों, एक बात समझो, इन तीनों के कंडीशंस अलग अलग होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स अलग अलग होते हैं और सब कुछ। एजुकेशन लोन का बेसिक कंडीशन ये होता है कि मेरा सपोज 4 years का कोर्स है, मेरा 4 years का कोर्स है तो 4 years तक मुझे सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा और पेमेंट मैं करूंगा 5th year से मेरी जॉब लगने के बाद। तो एजुकेशन लोन में मेरा जो कोर्स है, ऑब्वियसली मुझे इसकी सारी डिटेल्स देनी पड़ती है मेरी बैंक को, मैं कौन सा कोर्स कर रहा हूँ, किधर मेरा एडमिशन हुआ है, एडमिशन कंफर्मेशन, और मेरी बैंक डायरेक्टली उस अकाउंट में उन कॉलेज को पैसे दे देती है। इस केस में मुझे 5th year से पेमेंट पे करना पड़ेगा और शायद इसका इंटरेस्ट रेट होगा 8%। मैरिज के लिए लोन ले रहा हूं, मेरे को बैंक बोल रही है तेरे को इतना मार्ज करने का, तेरे को सस्ते, तेरे पास पैसे नहीं है बट तू छोटी शादी नहीं करना चाहता है, बड़ी शादी करना चाहता है, ठीक है, हम तुझे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितना बैंक बोल रही है 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हाउसिंग लोन के लिए बैंक मुझे 20 years रिपेमेंट का टाइम दे रही है, ठीक है, सिर्फ 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। अब एक बात समझो, इस लोन के लिए बैंक ने 4 साल तक 1 rupee नहीं मांगा। मैरिज लोन मुझे day 1 से रीपे करना पड़ेगा, इस महीने लोन लिया है, अगले महीने से मेरी EMI स्टार्ट हो जाएगी। हाउसिंग लोन मेरा हाउस कंप्लीट होने के बाद EMI स्टार्ट होगी, इस पे अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पे अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पे अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट। एजुकेशन लोन के लिए अलग डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, बैंक मैरिज लोन के लिए अलग,
सबके लिए अलग अलग अलग, ये सब क्यों? क्योंकि आरबीआई ने सेट किया है पैरामीटर्स, कौन सा लोन देते वक्त क्या देखना है, फिक्स डिपॉजिट लेते वक्त क्या ध्यान देना है, सेविंग डिपॉजिट के वक्त क्या ध्यान देना है, ये सारे पैरामीटर्स आरबीआई सेट करती है, समझा? ऑब्जेक्टिव क्यों? ताकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहे। पब्लिक का अगर कॉन्फिडेंस बैंकिंग सिस्टम पे रहेगा तो ही पब्लिक जाके पैसे बैंक में जमा करेगी। अब मैं अगर बैंक में पैसे जमा करूंगा तो ही बैंक मैं अगर बैंक में जाके पैसा जमा करूंगा तो ही बैंक लोन देगी और तो ही देश चलेगा ना। बच्चों एक बात समझो, बैंक का लोन देना बहुत जरूरी चीज है हमारे देश में। हमारे देश में मैक्सिमम बिजनेसेस लोन लेके जी रहे हैं और इतना पैसा कमा रहे हैं, समझा? अगर लोन मिलना बंद हो गया ना तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। जिसके लिए क्या जरूरी है? पब्लिक का डिपॉजिट करना जरूरी है पैसे। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव बैंक्स विल बी स्ट्रेंथेंड बाय अमेंडिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एक बात समझो, अगर एक बैंक है जैसे एसबीआई को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल बैंक। एसबीआई को हम लोग कौन सा बैंक बोलते हैं? कमर्शियल बैंक, ठीक है। एसबीआई को जो भी फॉलो करना है वो रूल्स बनाती है आरबीआई, प्लस एसबीआई या कोई भी कमर्शियल बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। आरबीआई और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये दोनों एक्ट्स आरबीआई एसबीआई को, मतलब किसी भी कमर्शियल बैंक को फॉलो करने पड़ेंगे। अब उसमें अगर बैंक्स देखोगे, कमर्शियल बैंक के भी टाइप होते हैं। एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई इज अ नेशनलाइज्ड बैंक। एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई इज अ नेशनलाइज्ड बैंक। आईसीआईसीआई एचडीएफसी की बात करूं, आईसीआईसीआई, तो ये प्राइवेट बैंक्स हैं। और इसके अलावा छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। आप जिस किसी सिटी में रहते हो बच्चों, आपको वहां पे कोऑपरेटिव बैंक्स मिलेंगे। अब कोऑपरेटिव बैंक्स कुछ गिने चुने लोगों ने मिलके आपस में बनाई होती है। इनको रूल्स स्ट्रिक्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक्स ही बंद पड़ते हैं जब भी देश में कोई फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, समझा? यहाँ पे सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और उसमें भी प्राइवेट में कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। सो इनको स्ट्रांग बनाना जरूरी है, क्योंकि मैनी पीपल इन आर कंट्री डू नॉट गो टू नेशनलाइज बैंक्स, डू नॉट गो टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, दे गो टू कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स के पास इतने अकाउंट्स है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हमारे देश के जो रूरल एरियाज है, सेमी अर्बन एरियाज है, वहां पे कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत ज्यादा काम करती है, समझा? सो अनेबलिंग एक्सेस टू कैपिटल, मतलब अब मेरे जैसा अगर नॉर्मल इंसान कोई छोटी सी सिटी में या छोटे से गांव में रहता है तो मेरे पास एसबीआई नहीं आएगी लोन देने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बैंक्स ऑलरेडी सिटीज में अच्छा काम कर रही है, तो मुझे कोई कोऑपरेटिव बैंक की हेल्प करेगी, समझा? तो मुझे अगर कैपिटल चाहिए, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा, तो मुझे कोऑपरेटिव बैंक के पास जाना पड़ेगा, समझा? यहाँ पे ठीक है। तो इनको स्ट्रांग बनाने का काम आरबीआई कर रही है। द लिमिट ऑफ फॉर एनबीएफसीज टू बी एलिजिबल फॉर डेट रिकवरी अंडर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट सर्फ आईसी, यह आपको एग्जीक्यूटिव में है। सर्फ आईसी जो है, इसको सर्फ आईसी एक्ट भी बोलते हैं। सर, ये पूरा फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, नॉट नाउ बट अगले साल, यस, अगले साल मतलब एग्जीक्यूटिव में ये फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सर्फ आईसी एक्ट, ठीक है। अब एनबीएफसी क्या होता है पहले ये समझो। एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या कंपनी भी बोल सकते हो, कॉर्पोरेशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस क्या करता है पता है क्या? देखो, अगर मैं एक बैंक की बात करूं, एसबीआई इज अ बैंक, ठीक है। एसबीआई दो काम करता है, पब्लिक से डिपॉजिट लेगा और पब्लिक को लोन देगा। बजाज फाइनेंस पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेता, बजाज फाइनेंस पब्लिक से सेविंग अकाउंट खोल के उसमें पैसे डालो, करंट अकाउंट खोल के उसमें पैसे डालो, इसमें बिलीव नहीं करता। बजाज फाइनेंस क्या करता है, बजाज फाइनेंस के पास अपना खुद का कैपिटल है, इस कैपिटल को यूज करके बजाज फाइनेंस लोन्स देता है। जनरली बजाज फाइनेंस कंज्यूमर लोन्स देता है। कंज्यूमर लोन्स मतलब फ्रिज खरीदने का है तेरे को, ले बजाज फाइनेंस से लोन। टीवी खरीदने का है, ईएमआई पे मोबाइल खरीदने का है, लैपटॉप खरीदने का है, तो बजाज फाइनेंस बैंक्स का सिर्फ एक काम करता है, लोन देने का। इसीलिए ये फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, क्योंकि ये लोन दे रहा है।
बट ये बैंक नहीं है, इसीलिए ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। मुथूट फाइनेंस, यस अतुल, मुथूट फाइनेंस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एनबीएफसी। मुथूट फाइनेंस में हम अपना सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते, बट हम लोन मांगने जा सकते हैं। मतलब मुथूट फाइनेंस जो है वो बैंक का ये काम नहीं करती है, सिर्फ ये काम करती है, बजाज फाइनेंस भी ये करती है, तो ये एनबीएफसीज है। अब एनबीएफसीज को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बना है सरफाइसी, ठीक है। सरफाइसी का बेसिक लॉजिक क्या है कि डेट रिकवरी करना इनके लिए एक अलग चीज हो जाती है। डेट रिकवरी मतलब क्या, बजाज फाइनेंस ने मुझे जो लोन दिया है, मुझे कंज्यूमर लोन दिया 2 लाख रुपए का, मैं नहीं दे रहा हूं ये रिटर्न, तो बजाज को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ये रिटर्न लेने के लिए, समझा यहां पे, ठीक है। तो पहले ठीक है, तो एनबीएफसी, ठीक है, डेट रिकवरी, देखो एनबीएफसी को डेट रिकवरी करने के लिए एक एक्ट बनाया है, प्लीज ध्यान दो इधर। मैंने अगर एक एनबीएफसी शुरू किया, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसके थ्रू मैं बहुत सारे लोगों को लोन दे रहा हूं। अब प्रॉब्लम यह हुई कि मैंने जो लोन दिया उसमें से कुछ लोन अकाउंट्स रीपे नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे, रीपे नहीं कर रहे हैं। तो अब जब वो लोग मुझे रीपे नहीं कर रहे, मुझे कुछ तो एक्शन लेनी पड़ेगी। एक्शन लेने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक सरफाइसी एक्ट बनाया है, बट सरफाइसी एक्ट के थ्रू एक्शन लेने के लिए पहले आपकी एनबीएफसी की वैल्यू 500 करोड़ होनी चाहिए थी। अब उन्होंने उसको 100 करोड़ करके एक ज्यादा बेटर तरीका, ऐसा क्यों, एक बात समझो, ऐसा क्यों किया। सपोज देर आर टू एनबीएफसी, एक है जिसका असेट साइज है 600 करोड़, मतलब इन्होंने 600 करोड़ के लोन देके रखे हैं। एक है जिसने 150 करोड़ के लोन देके रखे हैं, ठीक है। अब ये जो है ये 500 करोड़ से ज्यादा की है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मिस्टर एम ने इस एनबीएफसी से लोन लिया है और एम रीपे नहीं कर रहा है, तो ये जो एनबीएफसी है ये सरफाइसी का बेनिफिट लेके अपने लोन को सिक्योर करवा सकती है। बट इसने अगर लोन दिया है एम को और एम इसको रीपे नहीं कर रहा है, तो ये वाली जो है इसका भले ही कैपिटल या असेट साइज 150 करोड़ है, बट ये सरफाइसी का बेनिफिट नहीं ले सकती। सरफाइसी बेनिफिट देता है एनबीएफसी को कि आपके जो पैसे रिकवर नहीं हो रहे हैं, ये एक्ट आपको रिकवर करने में मदद करता है, समझा सरफाइसी का मीनिंग। एक सेकेंड रुक जाओ, ओके ठीक है, चलो। तो हम क्या देख रहे थे, मॉनिटरी अथॉरिटी हो गया, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट इज मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई क्या रोल प्ले करती है, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसके लिए हमने एक एक्ट बनाया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट में लिखा है कि आप फॉरेन एक्सचेंज क्यों ले सकते हो, कितना फॉरेन एक्सचेंज होल्ड कर सकते हो, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप सपोज यूएस घूम के आ गए, यूएस जाते वक्त आपने $10,000 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया था, वापिस आने के बाद आपके पास अभी भी $3,000 बचे हैं, इनमें से आप कितने अपने पास रख सकते हो, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में क्लियरली लिखा है। पूरे 3,000 नहीं रख सकते, ऊपर के डॉलर्स आपको जमा करने पड़ेंगे। आप क्यों, अच्छा आपको ये भी बताना पड़ता है कि आपको $10,000 क्यों चाहिए, आप कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, समझा। तो सारे रूल्स आरबीआई ने बना के रखे, ये क्यों किया है, इसके पीछे का रीजन समझो। देखो US डॉलर का जो रेट होता है वो उसकी सप्लाई और डिमांड पे पता चलता है, सप्लाई एंड डिमांड, समझा। फॉरेन करेंसी मार्केट में सप्लाई डिमांड पे चलता है। अब क्या हुआ, मेरे जैसे बंदे ने, मैं यूएस जाते वक्त $10,000 मैंने इंडियन गवर्नमेंट से लिए, यूएस गया, घूम फिर के आ गया, मेरे पास अभी भी $4,000 बचे हुए है, ये अगर मैंने अपने पास रख लिए तो सप्लाई कम हो गया। वही अगर मुझे सिर्फ $500 रखना अलाउ कर दिया आरबीआई ने, तो ऊपर के जो 3,500 है वो मुझे वापस बैंक में जमा करने पड़ेंगे, मतलब सप्लाई बढ़ जाएगा। इसीलिए हमारी आरबीआई ने सप्लाई और डिमांड को स्टेबल रखने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई और डिमांड को स्टेबल रखने के लिए ये एक्ट बनाया है। और आरबीआई ने बोला कि भैया इस देश में जो भी फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शंस होंगे वो हम डिसाइड करेंगे, समझा। टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड पेमेंट, प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन
इंडिया। तो क्या क्या देखा हमने, आरबीआई के फंक्शंस देख रहे थे। पहला फंक्शंस था मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, मतलब कितना मनी सप्लाई होगा हमारे देश में। मनी सप्लाई बढ़ गया तो प्राइसेस बढ़ेगी, मनी सप्लाई कम हो गया तो प्राइसेस कम हो जाएगी। इसीलिए प्राइस अगर स्टेबल रखनी है हमारे देश में तो मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखना जरूरी है। प्राइस स्टेबिलिटी इसीलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हमारे, बहुत सारे बाहर के बिजनेसमैन हमारे देश में आके बिजनेसेस कर रहे हैं, समझा। यहाँ पे अगर हम हमारे आगे प्राइसेस स्टेबल नहीं रहेंगे ना, वो लोग बिजनेस यहाँ पे करना छोड़ देंगे। देखो एक बात याद रखो, आई अग्री अप्स एंड डाउन्स आर गुड इन लाइफ बट इकोनॉमिक्स में नहीं। इकोनॉमिक्स में स्टेबिलिटी इज व्हाट एवरीवन वांट्स, क्योंकि पैसे का सवाल है, समझा। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम देख लिया, हमारे बैंक्स ने किसको कितना लोन देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, क्या देखना चाहिए इसके पैरामीटर्स दे दिए, ताकि लोन बैड ना हो जाए। लोन बैड ना हो जाए मतलब जिन्होंने लोन लिया है वो रीपे करने की कैपेसिटी में रहे। फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजर मतलब क्या, हमारी आरबीआई डिसाइड, हमारी आरबीआई ने फेमा बना दिया, मतलब एक्चुअली पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया फेमा, और आरबीआई को बोला आप इस फेमा को मैनेज करो, मतलब इस एक्ट के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो रूल्स बनाने हैं, कौन फॉरेन एक्सचेंज खरीद सकता है, कब खरीद सकता है, कितना अपने पास रख सकता है, ये सारा फेमा में आप डिसाइड करो। नेक्स्ट इज इश्यूअर ऑफ करेंसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ आरबीआई, इश्यूअर ऑफ करेंसी। आरबीआई इश्यूज एंड एक्सचेंज और डिस्ट्रॉयज करेंसीज एंड कॉइन्स नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। जैसे हमारे पास जब डीमोनेटाइजेशन आया, हमने 500 और 1000 के ओल्ड नोट्स जो थे वो बैंक्स में जाके जमा कर दिए, तो आरबीआई ने इन ओल्ड नोट्स का क्या किया, इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे वो मुझे नहीं मालूम, जलाते हैं या क्या करते हैं, समझा। यहाँ पे तो इनको डिस्ट्रॉय किया और इसके बदले में न्यू 2000 का नोट लॉन्च किया, और उसके बाद 500 का नोट लॉन्च किया, समझा। एक बात याद रखना, इफ आई हैव अ म्यूटिलेटेड नोट, म्यूटिलेटेड मतलब खराब फटा हुआ नोट, जिसको सेलोटेप वेलोटेप चिपकाया हुआ है, ये म्यूटिलेटेड करेंसी नोट है मेरे पास, ये अगर मैं जाके किसी भी बैंक में डिपॉजिट कर दूं, ठीक है, तो बैंक क्या करती है, बैंक इस नोट को, सपोज 100 रुपए का एक खराब नोट है मेरे पास, म्यूटिलेटेड फटा हुआ नोट है, मैं ये 100 रुपए बैंक को देता हूं, बैंक जाके इसे आरबीआई को दे देगी, आरबीआई इस म्यूटिलेटेड 100 रुपीज के नोट को डिस्ट्रॉय करके उसकी जगह पे एक न्यू 100 का नोट प्रिंट करके वापस बैंक को दे देगी और बैंक मार्केट में दे देगा, याद रखना। इसीलिए जब भी हम अगर कोई आरबीआई अगर कोई नोट डिस्ट्रॉय कर रही है तो उसके बदले में न्यू नोट इशू करके प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन या सप्लाई ऑफ करेंसी को मेंटेन रखती है, ऑब्जेक्टिव। अब एक बात समझो, अगर आरबीआई करेंसी इशू कर रही है तो आरबीआई को पूरे देश के बारे में पढ़ा है। व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द जनवरी सीएसईटी एग्जाम्स, श्वेता बेटा अभी आप ये वाले अटेंड करना है तो करो, अच्छी बात है, ये एक महीने में सब कुछ फटाफट हो जाएगा। इसके बाद फिर से हमारा आई गेस नवंबर की एग्जाम होते ही दिसंबर में फिर से हम लोग, या नवंबर में ही ये एक बार बैच हो गया कि फिर से हम लोग एक और बैच अनाउंस करेंगे, आप उसमें भी कर सकते हो। अगर आपको ये वाली अटेंड करनी है तो करो, दिस इज वेल एंड गुड फॉर यू ऑल्सो, ठीक है, जल्दी कर लो। तो जनवरी के लिए अगर अटेम्प्ट है तो रुकना ही क्यों, आज मौका है तो आज ही कर लो, समझा ना। ऑब्जेक्टिव टू गिव पब्लिक एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, हमारी आरबीआई को पता है इस देश में कितना पैसा अवेलेबल होना चाहिए, ऑब्वियसली आरबीआई को नहीं पता रहेगा तो किसको पता रहेगा, तो आरबीआई को पता है इस देश में कितना पैसा अवेलेबल होना चाहिए उतने पैसे के लिए, मतलब उतना पैसा है या नहीं है, अगर नहीं है तो आरबीआई सप्लाई करती है। डेवलपमेंटल रोल, चलो अब जाते हैं डेवलपमेंटल रोल पे। इट परफॉर्म्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस टू प्रमोट नेशनल ऑब्जेक्टिव। एक एग्जांपल देता हूं इसका, सिंपल एग्जांपल देता हूं, हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर मतलब फार्म एंड फार्म रिलेटेड सेक्टर, ठीक है, फार्म एंड फार्मिंग रिलेटेड सेक्टर। एक जमाना था बच्चों कोई भी इसे लोन नहीं देता था, क्यों नहीं देता था बच्चों, एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप अगर एक बैंक हो, मैंने अपने हार्ड अर्न्ड मनी 1 करोड़ रुपए आपके बैंक में डिपॉजिट किए, जिसके ऊपर आप मुझे इंटरेस्ट दोगे, और फिक्स डिपॉजिट कर दिए मैंने 10 साल के लिए, 10 साल के बाद मैं ये 1 करोड़ रुपए, या 2 साल के लिए चलो, मैंने आपके बैंक में आके मेरे मेहनत के 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दिए, 1 साल बाद में 2 साल बाद में आके आपसे पूरे 1 करोड़ वापस मांगूंगा। अब आप ये 1 करोड़ का लोन एक फार्मर को देते हो, फार्मर ने अगर ये लोन रिपे नहीं किया क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे, फार्मर को क्या उठा के लाओगे या उसकी जमीन उठा के लाओगे। इससे बेटर है आप बोलते हो जाने तो यार फार्मर को लोन ही नहीं देते, बट आप फार्मर को लोन नहीं दे रहे हो, कमर्शियल बैंक फार्मर को लोन नहीं दे रहा है, इसकी वजह से फार्मर बेचारा डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है अपने फार्म्स में। ऐसा नहीं कि सारे फार्मर्स हमेशा लोन को
यू नो बैड ही कर देते हैं. फार्मर्स पे करने की कोशिश पक्का करेंगे, बट अगर बेचारा अब इस साल हुआ, इस साल कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जैसे यहाँ महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बारिश अभी भी गिर रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, स्टैंडिंग क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड. ऐसे में फार्मर भी कुछ नहीं कर सकता, बैंक भी कुछ नहीं कर सकती, बैंक के पैसे चले गए वेस्ट. अब बैंक के पैसे वेस्ट चले गए और बैंक ने खुद के पैसे तो नहीं, मेरे पैसे बैंक ने लोन दिए थे तो मैं तो मांगने आ जाऊंगा. ठीक है, तो आरबीआई ने बैंक को क्या बोला, एक काम करो, चलो आप एक काम करो, आप जितना भी लोन दोगे, आप अगर 100 करोड़ का लोन बांट रहे हो तो उसमें से 10% आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर को देना ही पड़ेगा. ठीक है, अब आरबीआई ने आपको बोल दिया कि 10% आपको एग्रीकल्चर को देना ही पड़ेगा. आप आरबीआई के पास जाके बोलोगे सर हम 10% तो दे देंगे, बट अगर ये फार्मर ने रीपे नहीं किया, ये बहुत रिस्की चीज है. आरबीआई ने बोला टेंशन मतलब फिर मैं दे दूंगा, अगर फार्मर रीपे नहीं करता है तो मैं तुमको दे दूंगा. फिर इस तरह से जब बैंक्स को कॉन्फिडेंस मिला, ठीक है, और बैंक भी गलत नहीं थी, बैंक ने आरबीआई को बोला कि सर हमारे पैसे थोड़ी है, हम डिपॉजिटर्स के पैसे लोन पे दे रहे, समझा यहाँ पे, तो प्लीज आप कुछ बोलो, अगर ये अगर इस बंदे ने नहीं रीपे किया हम उसको कुछ नहीं करेंगे, बट हमारे डिपॉजिटर को कौन जवाब देगा, वो उसके 1 करोड़ मांगने आएगा उसे कौन पैसे देगा. आरबीआई ने बोला ठीक है डोंट वरी मैं दे दूंगा तुम्हारे लिए, बट अगर 10% तक का पैसा मैं दे दूंगा उसके ऊपर लोन मत देना बस. तो इस तरीके से हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर डेवलप हुई. रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूसेस एंड अपग्रेड सेफ एंड एफिशिएंट मोड्स ऑफ पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री. जैसे अभी रिसेंटली यूपीआई वाला सिस्टम आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है हमारे देश में, एक पेमेंट सिस्टम है. पहले मुझे अगर किसी को पे करना था बैंक के थ्रू तो मुझे उसको चेक देना पड़ेगा, फिर आया ऑनलाइन पेमेंट, NEFT, RTGS, IMPS, इसमें भी बहुत डिटेल्स. पहले ऐसा होता था बच्चों अगर मुझे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो मैं आपसे बैंक अकाउंट नंबर मांगूंगा, IFSC कोड मांगूंगा और 2-4 चीजें मांगूंगा और फिर मैं अपने इसमें डालूंगा, अपने ऐप में ये सारी चीजें डालूंगा, 4-5 नंबर्स, बैंक अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपका IFSC कोड, अमाउंट, ये सब डाल के फिर पे करूंगा और फिर आपको पैसे मिलेंगे और बैंक. ठीक है, तो आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई ने बोला यार आजकल सब लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, सबके पास नंबर होता है, आरबीआई ने एक सिंपल सी चीज यूपीआई लेके आ गए, आप एक फोन नंबर के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, मेरा फोन नंबर मेरे बैंक अकाउंट को लिंक्ड है, आप उस पे पैसे दे दो मेरी बैंक में चले जाएंगे, समझा. तो एक जमाना था बच्चों अगर मैं आपको चेक देता हूं, ठीक है, मेरा जिस सिटी में अकाउंट है, आप भी, आप और मैं सेम सिटी में रहते हैं, मैं पुणे में रहता हूँ, आप पुणे में रहते हो, ठीक है, मैं पुणे में रहता हूँ, आप पुणे में रहते हो, मैंने आपको आज चेक दिया तो कम से कम 10 दिन तक आपको पैसे नहीं मिलते थे, इतना स्लो था हमारा पेमेंट सिस्टम. अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ खरीदता हूं, अगर फोन पे के एड्स देखोगे तो वो क्या दिखाते हैं, यहाँ पे आप क्यूआर कोड स्कैन करो और अमाउंट, अब तो नंबर भी नहीं डालना पड़ता, क्यूआर कोड स्कैन करो और पैसे दे दो. तो सेफ और एफिशिएंट, सेफ मेथड्स तो है ही ये बच्चों, सेफ मेथड्स है क्योंकि अब OTP वाला सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया, उसके साथ साथ एफिशिएंट मेथड्स, एफिशिएंट मतलब फास्टर मेथड्स हमारी आरबीआई इंट्रोड्यूस कर रही है ताकि पब्लिक का इस पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम पे कॉन्फिडेंस रहे. रिलेटेड फंक्शंस, ठीक है, रिलेटेड फंक्शंस, बैंकर टू द गवर्नमेंट. बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब क्या, एक बात समझो, मैं हूं कल्पक सर, कल्पक बांगड़ सर, ठीक है, मेरा अकाउंट है SBI में, ठीक है, मुझे अगर कोई चेक देता है तो मैं SBI में डिपॉजिट करता हूं, मैंने अगर किसी को चेक दे दिया तो SBI पेमेंट कर देती है, समझा. तो SBI इज माय बैंकर, SBI इज माय बैंकर, आई डिपॉजिट माय चेक्स इन SBI एंड माय पेमेंट्स, द चेक्स विच आई हैव इशूड आर पेड बाय SBI. अब बात करते हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, अब बात करते हैं गवर्नमेंट की, हमारे मशहूर ओलंपियन नीरज चोपड़ा, नाउ प्लीज पे अटेंशन, नीरज चोपड़ा को मिला गोल्ड मेडल, ठीक है, हमारे मशहूर ओलंपियन है, ऑब्वियसली ही हैज डन अस प्राउड. नीरज चोपड़ा को मिला गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, ठीक है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट ने तो बहुत कुछ अनाउंस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नीरज चोपड़ा को एक चेक दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नीरज चोपड़ा को एक चेक दे दिया 5 करोड़ रुपीज का, ठीक है. अब नीरज चोपड़ा को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह चेक दिया, नीरज चोपड़ा अपनी SBI में जाएगा, मतलब कमर्शियल बैंक में ये चेक डिपॉजिट कर देगा, SBI जाएगा RBI के पास कि सर पैसे दो, क्योंकि गवर्नमेंट का जो अकाउंट है वो RBI के पास होता है, समझा. गवर्नमेंट अपना मनी डिपॉजिट भी इधर करता है और गवर्नमेंट जो पेमेंट्स करता है वो भी इधर से जाते हैं. तो मेरे लिए जो SBI का रोल है, मेरे लिए जो SBI का रोल है, वही रोल RBI प्ले करता है, वही रोल RBI प्ले करता है फॉर गवर्नमेंट्स.
मैं गवर्नमेंट को जो भी पैसे देता हूँ वो आरबीआई के पास जमा हो जाते हैं, गवर्नमेंट जो भी पैसे मुझे देता है वो आरबीआई के थ्रू मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। इट परफॉर्म्स मर्चेंट बैंकिंग फंक्शंस। मर्चेंट बैंकिंग मतलब रिसीविंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड पेइंग द मनी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट एंड एक्ट देयर एज देयर बैंकर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अकाउंट भी आरबीआई के पास, सारी बैंक्स का, सारी स्टेट्स का गवर्नमेंट अकाउंट भी आरबीआई के पास ही होगा। इट इज बैंकर टू बैंक्स ऑल्सो, यहां तक कि SBI, ICICI, पंजाब नेशनल बैंक, इन सब का भी अकाउंट होता है आरबीआई के पास। इसीलिए तो CRR, SRR, SLR उधर से जमा हो जाता है उनके पास, समझा। सो इट इज बैंकर टू द बैंक्स ऑल्सो एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट्स ऑल्सो। जैसा हमारा अकाउंट होता है बैंक में, वैसे गवर्नमेंट का अकाउंट होता है आरबीआई के पास। जैसे हमारा अकाउंट होता है बैंक में, वैसा ही इन सारी बैंक्स का, SBI, ICICI, कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट होता है आरबीआई के पास। आरबीआई के 27 रीजनल ऑफिसेज है, ठीक है, सबके सब स्टेट कैपिटल्स में है, हर स्टेट के कैपिटल में आरबीआई का एक ऑफिस है और फॉर 4 सब ऑफिसेज है, समझा यहाँ पे। तो इतना था आरबीआई से रिलेटेड। सॉरी जरा ये गड़बड़ हो गई थी, मैं यहाँ चला गया था नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो हमने आरबीआई से रिलेटेड क्या देखा, आरबीआई कब बना था, 1 अप्रैल 1935, कौन सी एक्ट के थ्रू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, हेड ऑफिस मुंबई में है 1937 से, बट पहले था कोलकाता में। हेड ऑफिस मतलब सेंट्रल ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस वो जगह है जहां पे आरबीआई के गवर्नर बैठते हैं और सारी पॉलिसीज यहाँ पे बनती है। 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हो गया था और गवर्नमेंट उसे ओन करती है। आरबीआई के फंक्शंस, पहला मॉनिटरी फंक्शन, मतलब इंडिया में कितना मनी सप्लाई होना चाहिए, इससे ये होता है कि मनी सप्लाई लिमिटेड या स्टेबल रहेगा तो प्राइसेस स्टेबल रहेगी। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, बैंक्स के लिए रूल्स और पैरामीटर्स देती है आरबीआई। आरबीआई बैंक्स को पैरामीटर्स देती है कि जब भी लोन दोगे, कुछ दोगे, तो ये चीजें जरूर देखना। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमारी देश का पूरा फॉरेन एक्सचेंज कौन मैनेज करता है, हमारी देश का पूरा फॉरेन एक्सचेंज मैनेज कौन करता है, आरबीआई खुद करती है, समझा। कितना फॉरेन एक्सचेंज होगा और उसके लिए आरबीआई ने एक एक्ट बना के रखा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। करेंसी, कितनी नोट्स छापनी है, कौन सी, 500 की, 100 की, 2000 की, ये डिसाइड करती है आरबीआई, ठीक है। डेवलपमेंटल रोल बहुत सारा प्ले किया हमारी गवर्नमेंट, सॉरी हमारी बैंकिंग सिस्टम को हमारी आरबीआई ने बहुत ज्यादा डेवलप किया हुआ है। हमारे देश की बैंकिंग सिस्टम आज काफी ज्यादा एफिशिएंट हो गई है, समझा यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, हमारे देश में और बेटर पेमेंट सिस्टम लाने का काम किया और रिलेटेड फंक्शंस में क्या बोला, इट इज बैंकर टू गवर्नमेंट एंड बैंकर टू द बैंक। अब अनाउंसमेंट्स इन यूनियन बजट 2020, अब ये काफी आउटडेटेड हो गया है क्योंकि यूनियन बजट 2021 भी आ गया है, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आपकी टेक्स्ट बुक अपडेट होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। ये बच्चों ऑब्वियसली बजट कब आता है, फरवरी में आता है, तो ये जो यूनियन बजट 2020 है ये फेब 2020 में आ गया, हम अभी अक्टूबर 2021 में बैठे हैं, तो ये बजट 2021 में आ चुका था फरवरी में, तो इस बजट के बारे में ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये ई बुलेटिन में होगा तो वहां पे करेंगे, ठीक है। बट हाँ, ये वाला बजट जो है 2021 का, ये भी ऑब्वियसली श्रीमती निर्मला सीतारामन ने दिया होगा, जो कि हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है। बच्चों अगर ऑनरेबल लिखा है तो बोलना चाहिए, ये उनके नाम के लाके लिखा हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए क्या क्या रूल्स किए, ठीक है, क्या क्या रूल्स बनाए फाइनेंशियल मार्केट के लिए, ठीक है, मेगा बैंक मर्जर, ठीक है, और की हाइलाइट्स, तो इनमें से ज्यादा चीजें मत पढ़ो, एक रीड कर लेना सिर्फ, ठीक है। फाइनेंशियल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स टू बी कैरिड आउट टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म इन प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब बैंक्स विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मार्च ई बुलेटिन में है, यस, ठीक है। तो ये मार्च ई बुलेटिन में है, मार्च का जो ई बुलेटिन है बच्चों, वहां से हमें ये सारी, अरे ये क्या हो गया, बुलेटिन है वो, मार्च का जो ई बुलेटिन है वहां से हमें ये निकालना है, ठीक है। डीआईजीसी का फुल फॉर्म प्लीज याद रख लो, इवन दो दिस इज इन मार्च का ई, दिस इज ओल्डर वर्जन, फुल फॉर्म याद रख लो, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, 1 से 5 लाख, ये लेटेस्ट न्यूज है इसीलिए याद रखना। ये न्यूज क्या बोलती है ये याद रखो बच्चों। हुआ क्या था, अगर मेरा किसी बैंक में अकाउंट है, प्लीज ध्यान दो, मेरा किसी बैंक में अकाउंट है, कोई भी अकाउंट हो सकता है, सपोज मेरा किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है, उस सेविंग अकाउंट में 9 लाख रुपीज पड़े हुए हैं, 9 लाख रुपीज पड़े हुए हैं, एंड द बैंक हैज गॉन इनसॉल्वेंट, द बैंक हैज गॉन इनसॉल्वेंट, ठीक है। अब बैंक इंसॉल्वेंट हो गई तो बैंक मुझे मेरे पूरे पैसे तो देगी नहीं, समझा यहाँ पे। तो पहले क्या होता था, पहले देर वॉज अ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन,
ये क्या बोलता था कि अगर आप, आई एम सो सॉरी रुको, अगर आपकी बैंक डूब गई तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे आपके अकाउंट में से। इंश्योरेंस था आपका। आपकी बैंक डूब गई तो आपके सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा है या बैंक के पास जो भी डिपॉजिट है उसमें से 1 लाख मिल जाएंगे। उस लिमिट को उठा के अब 5 लाख रुपीज कर दिया है सर। बट आपका अभी भी नुकसान हो रहा है। बच्चों मेरे 9 लाख में से मुझे 5 लाख रुपए इमीडिएटली मिल जाएंगे, बचे हुए 4 लाख के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। बट मिस निर्मला सीतारामन जी ने जब ये अनाउंसमेंट किया, लोगों ने यही सवाल किया कि उन लोगों का क्या जिनके 5 लाख से ज्यादा है। निर्मला सीतारामन जी ने बोला इंडिया के मैक्सिमम मैक्सिमम हमने अकाउंट्स देखे, सेविंग अकाउंट्स हमने डेटा मंगाया और मैक्सिमम हमने अकाउंट्स देखे, मैक्सिमम अकाउंट्स में 5 लाख से ज्यादा का अमाउंट नहीं था। समझा? कुछ ही ऐसे अकाउंट अगर परसेंटेज में देखोगे तो निर्मला सीतारामन जी ने परसेंटेज भी बोला था, आई डोंट रिमेम्बर द परसेंटेज, बट निर्मला सीतारामन जी ने जो परसेंटेज बोला था उसके हिसाब से ऐसा समझो कि 80-90% बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें 5 लाख से कम ही अमाउंट है। समझा? और कुछ ही बैंक अकाउंट्स, 5-10% ही बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें 5 लाख से ज्यादा है, तो उन्हीं का नुकसान होगा। अब सोचो पहले सिर्फ 1 लाख रुपए मिलते थे, अब नहीं। ये एक्चुअली मार्च, ये काफी पुराना है बट ये याद रखना चाहिए। क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के हिसाब से अगर आपका बैंक डूब जाता है तो 5 लाख मिलते हैं। ठीक है, ये छोड़ दो, ये कुछ काम का नहीं है, पुराना है बच्चों। कोऑपरेटिव बैंक्स का छोड़ दो, एनबीएफसी का याद रखना। सरफाइसी में आने के लिए पहले एनबीएफसी को उनके पास 500 करोड़ साइज का असेट साइज होना चाहिए था, अब वो 100 करोड़ कर दिया है। समझा? और लोन पहले 1 करोड़ का, अगर मैं एक एनबीएफसी हूं, मैंने आपको 1 करोड़ से ज्यादा का लोन दिया है तो ही वो सरफाइसी के थ्रू सेटल होगा। अब हमारे गवर्नमेंट ने हमें अलाउ कर दिया कि 50 लाख का भी लोन आपने दिया है तो सरफाइसी के थ्रू सेटल करवा सकते हो। समझा? यहाँ पे सरफाइसी के थ्रू भी सेटल करवा सकते हो। फाइनेंशियल मार्केट्स में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट याद रख लेना। मैं अगर एक कंपनी हूं, मैं फॉरेन पोर्टफोलियोस इन्वेस्टर, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कौन होता है? फॉरेन के बड़े इन्वेस्टर्स, फॉरेन का म्यूचुअल फंड पकड़ लो, उनसे पहले मैं बॉन्ड्स के थ्रू 9% ही ले सकता था, अब 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक। मतलब क्या? मेरी एक कंपनी है, प्लीज ध्यान दो ये इंपॉर्टेंट है, मेरी एक कंपनी है, ठीक है, और मेरे कंपनी का आउटस्टैंडिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग स्टॉक मतलब शेयर कैपिटल है 100 करोड़। अगर मेरी कंपनी का शेयर कैपिटल है 100 करोड़ तो पहले मैं मैक्सिमम 9 करोड़ के ही बॉन्ड्स इशू कर सकता था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फॉरेन का म्यूचुअल फंड, सोचो उसके पास कितना पैसा होगा, और अगर वो मुझे पैसा देगा इंडिया में मेरी कंपनी चलाने के लिए तो मैं कितना कमा सकता हूं? यस और नो? बट मैं उसे बॉन्ड्स दूंगा, बॉन्ड, बॉन्ड मतलब सिक्योरिटी है ना, कि ये ले बॉन्ड और मुझे 9 करोड़। अब हमारी गवर्नमेंट ने बोला 9 करोड़ की जगह आप आपका टोटल कैपिटल का 15% मतलब इतना उसे बॉन्ड्स इशू कर सकते हो। इससे क्या हुआ? पहले ऑलरेडी मैंने अगर 9 करोड़ के बॉन्ड्स इशू किए थे, गवर्नमेंट ने मुझे 15% की लिमिट दे दी, मतलब मैं मैक्सिमम 15 करोड़ के इशू कर सकता हूँ। 15 माइनस 9 और 6 करोड़ का कैपिटल मिल जाएगा मुझे इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। समझा यहाँ पे? तो ये एक याद रखना। ठीक है, डेट बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड छोड़ दो, पार्शल क्रेडिट गारंटी स्कीम छोड़ दो, मेगा बैंक मर्जर ये याद रखना। करंट अफेयर्स भी है, काफी पुराना है, फिर भी याद रखना। 10 बिग पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव बीन मर्ज्ड इनटू 4। हमारी कंट्री ने क्या किया? पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब शेड्यूल नेशनलाइज बैंक्स, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यहाँ पे इतने सारे नाम है देखो, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, अलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अलग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अलग, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक। ये कितने बैंक्स हो गए अगर देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके अलावा SBI था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ये सब नेशनलाइज्ड बैंक है बच्चों। तो आपको ये नाम याद रखने हैं। इंडिया के पास पहले, इंडिया के पास कितने प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे? 27। हमारे पास पहले 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे विच आर ओन्ड बाई द गवर्नमेंट। वी हैव ब्रॉट देम डाउन टू 12। We have brought them down to 12 by merging them, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है यार हमारे ही 27 बैंक एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट सोचो कितना बढ़ गया, इधर पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच, उसके बाजू में अलाहाबाद बैंक का ब्रांच, उसके बाजू में यूनाइटेड बैंक का ब्रांच, हर एक का ब्रांच 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 खोलो, उससे अच्छा मर्ज करके बैंक को यू नो लिमिट कर दो। और प्राइवेट बैंक को भी तो मौका मिलेगा ना, अगर अगर पब्लिक सेक्टर बैंक कम हो गए तो प्राइवेट बैंक को भी मौका मिलेगा। तो याद रखना,
पहले हमारे पास टोटल 2017 में कितने थे, 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, हमारी गवर्नमेंट ने उसको 12 पे लेके आ गए, और जो 10 बैंक्स थे, ठीक है, ये सब हुआ अगस्त 30, 2019, 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके 4 बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया, समझा, कौन सी, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, अलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक, अलग है दो, आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, द गवर्नमेंट ऑल्सो अनवील्ड गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई एम सॉरी, ठीक है, योर, बस इतना ही था इसमें की हाइलाइट्स, पंजाब नेशनल बैंक, देखो पंजाब नेशनल, ओरिएंटल एंड यूनाइटेड बैंक टू मर्ज टू फॉर्म कंट्रीज सेकेंड लार्जेस्ट लेंडर, सबसे बड़ा एसबीआई है हमारी कंट्री का, सबसे बड़ा लेंडर जो है एसबीआई है, सबसे ज्यादा पैसा भी एसबीआई के पास है, सबसे ज्यादा डिपॉजिट अकाउंट्स भी एसबीआई के पास है, ओके तो अब ये तीन बैंक्स मर्ज होके सेकेंड लार्जेस्ट बन गए हैं, फुल केबीसी है ये, ऐसा समझो, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, फिर सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक को मर्ज करके फोर्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बना दिया, जिनका इतना बिजनेस होता है बच्चों, सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक मिला के 15.2 लाख करोड़ का बिजनेस करते हैं, मतलब इतना लोन देते हैं ये लोग, और इनके पूरे इंडिया में 10,324 ब्रांचेस है, काफी पुरानी फिगर है तो छोड़ दो इसको, ये मत याद रखना, बस इतना ही याद रखना कि सेकंड लार्जेस्ट कौन है, पीएनबी, ओबीसी एंड यूबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट लेंडिंग बैंक आफ्टर एसबीआई, फोर्थ लार्जेस्ट इज सिंडिकेट एंड कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक हैज बिकम इंडियाज फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक, एंड अलाहाबाद बैंक एंड इंडियन बैंक हैज बिकम द इंडियाज सेवेंथ लार्जेस्ट बैंक, समझा, तो ये सब याद रखने से अच्छा यहाँ पे देख लो, इतना ही याद रखो, पंजाब नेशनल बैंक मेन बैंक है, इन दोनों बैंक को इसमें इंक्लूड कर दिया, इस बैंक को इसमें इंक्लूड किया, इन दोनों बैंक को इधर इंक्लूड किया और इसको इधर इंक्लूड किया, याद रखना, 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बैंक्स बनाई ना, थर्ड लार्जेस्ट बैंक इज बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बेटा करेक्ट अतुल, बच्चों देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बैंक्स बनाए, तो एक बात समझो, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गए, सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज हो गया, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया, अलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो गया, ठीक है, तो सबसे पहला एसबीआई आएगा, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पीएनबी हो गया बिकॉज ऑफ दिस मर्जर, बच्चों मर्ज होता है तो इनके सारे सेविंग अकाउंट भी इसके पास चले गए और इनका सारा लोन भी इनके पास चला गया, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ओके एक सेकंड रुको, ठीक है, प्लग्ड है, ओके नेक्स्ट, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, तो सेकंड लार्जेस्ट ये हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा थर्ड लार्जेस्ट है थैंक्स टू अतुल, अतुल ने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी, सिंडिकेट बैंक फोर्थ लार्जेस्ट, आंध्रा एंड कॉर्पोरेशन बैंक सिक्स्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट, एंड अलाहाबाद बैंक इसमें मर्ज हो गया इंडियन बैंक में और वो सेवेंथ बना, तो सिक्स्थ लार्जेस्ट कौन सा है ये आपको ढूंढना है, सिक्स्थ लार्जेस्ट कौन सा है ये आपको ढूंढना है, समझा, यहाँ पे इतना जरूर याद रखना कौन सी बैंक्स किस में मर्ज हुई, जिंदगी में कभी केबीसी में भी जाने का मौका मिला तो ये सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी को सिंपल होके भी याद नहीं होती है, रिविजन इन नॉर्म्स ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम ऑफ बैंक, एक बात समझो बच्चों, बैंक जो होती है बैंक उनका एक कॉन्करेंट ऑडिट होता है, दो तरीके, अच्छा ऑडिट क्या होता है, ऑडिट का मतलब होता है, अरे एक सेकेंड रुको, ऑडिट का मतलब क्या होता है पता है क्या तुम लोगों को, ये एक कंपनी है या फिर एक बैंक है, ठीक है, ये क्या करते हैं अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, ठीक है, ये अपने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, किससे पैसा आया, कितना पैसा आया, सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ये लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है, और एक ऑडिटर आके चेक करता है कि इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स बराबर मेंटेन किए या नहीं किए, बैंक्स को एक कॉन्करेंट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है, कॉन्करेंट ऑडिटर क्या करता है पता है क्या, रोज आता है, रोज कॉन्करेंट ऑडिटर रोज बैंक में आएगा और डेली कल जो भी ट्रांजैक्शंस हुए पूरे, या फिर अगर बैंक थोड़ी छोटी है तो 4-5 दिन में एक बार आएगा, हफ्ते में एक बार आएगा, मतलब जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं उसके साथ साथ ही उसका ऑडिट भी करके चेक कर लेगा कॉन्करेंट ऑडिटर कि सारे ट्रांजैक्शंस बराबर से रिकॉर्डेड हुए हैं या नहीं, समझा यहाँ पे, ठीक है, तो कॉन्करेंट ऑडिटर के नॉर्म्स में चेंज कर दिया, ठीक है, द आरबीआई हैज रिवाइज द नॉर्म्स फॉर कॉन्करेंट ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट एम्स एट, ठीक है,
क्या बोल रहा है कि जब मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ और जब उसका ऑडिट हो रहा है, पहले क्या होता था ना, साल में एक ही बार ऑडिट होता था, तो मैंने आज जो एंट्रीज पास कर दी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, इनका ऑडिट होगा अप्रैल मई जून के बाद, मार्च खत्म होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। तो आरबीआई ने बोला कि नहीं नहीं काम करते हैं, बैंक के लिए इतने दिन नहीं रुकते। क्यों? सोचो, मैं एक बैंक हूँ, मैंने आज अक्टूबर में किसी को लोन दे दिया, उससे सारे डॉक्यूमेंट्स लिए ही नहीं, मैं बैंक का मैनेजर हूँ एक ब्रांच का, बड़ी सी बैंक का एक ब्रांच मैनेजर हूँ, मैंने 50 करोड़ का लोन सैंक्शन कर दिया, कुछ ज्यादा कुछ खास डॉक्यूमेंट देखे नहीं, सब नकली डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है वो मुझे पता है, मैंने उसको 50 करोड़ का लोन दे दिया, मुझे मालूम है अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा मार्च में, इसका ऑडिट होगा अप्रैल या मई में, तब तक मैं देश छोड़ के भाग जाऊंगा। समझा कि नहीं समझा? ये नहीं होना चाहिए। मैंने उसको अगर लोन दिया है और उसे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए तो इमीडिएटली पकड़ा जाना चाहिए। इसलिए आरबीआई ने बोला कि भैया इंटरवल कम होना चाहिए जब वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है और उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। ट्रांजैक्शन मैं बैंक मैनेजर हूं, मेरे अकाउंटेंट को मैंने बोला है देख तेरे को भी शेयर दे दूंगा, 2 करोड़ रुपए दूंगा, चुप बैठ, इस ट्रांजैक्शन को नकली रिकॉर्ड कर, बाद में भाग जाना। समझा कि नहीं समझा? तो एक बाहर वाले बंदे को बुलाया जाता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनर, जैसे क्रिकेट मैच में एक रेफरी होता है, अंपायर होता है, अंपायर दोनों भी टीम का नहीं होता, इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच होगा तो अंपायर इंडिया और पाकिस्तान का नहीं होगा, एक तो ऑस्ट्रेलिया का होगा, अभी पैंडेमिक में उन्होंने वैसा किया है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया और पाकिस्तान के ही अंपायर होंगे, क्योंकि पैंडेमिक में बाहर से लोगों को बुलाना पॉसिबल नहीं था। समझा? तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए। समझा? यहाँ पे इसके लिए रूल्स ही चेंज कर दिए इन्होंने। इन्होंने क्या बोला कि आपको बाहर वाले ऑडिटर ही बुलाने पड़ेंगे, आप आपके ठीक है कॉन्करेंट ऑडिट के बारे में बोला है, एक तो आप आपके ओन स्टाफ से करो बट, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर से करो। समझा? यहाँ पे या आप खुद ही डिसाइड करो बट ऑडिट तो कंटिन्यूअसली होना चाहिए। समझा? यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट, ये भी हो गया। इसके बाद इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स छोड़ दो। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स मतलब क्या? मेरी बैंक में अगर मैं कोई डिपॉजिट स्कीम ला रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 10 महीने तक 1000-1000 रुपए डिपॉजिट करो, 11वें महीने में 11000 रुपए ऐसे लेके जाओ हमारी तरफ से एक्स्ट्रा वगैरह, ऐसे जो इलिसिट मतलब नकली या इलीगल डिपॉजिट स्कीम्स हुआ करते थे, इन सबको हमारी बैंक ने बैन कर दिया। हमारी बैंक ने बोला कि तू अगर डिपॉजिट स्कीम्स निकालना चाहता है, आरबीआई ने बोला हमसे परमिशन लेने का। समझा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट को अमेंड किया, सेबी एक्ट को अमेंड किया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक को अमेंड किया। जनरली ये सारा है ना कोऑपरेटिव बैंक्स में होता था। समझा? नकली झोल में लोन दे देना। समझा? यस ठीक है बेटा, ओल्ड है आई नो, बट एक रिविजन होना चाहिए छोटा सा, क्योंकि क्या है ना करंट अफेयर्स में वैसे तो उन्होंने ज्यादा नहीं, बट बेसिक जैसे आपको ये पता होना चाहिए था कौन किस में मर्ज हुआ है, कभी भी ये कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो काम का नहीं है वो तो हम छोड़ने ही वाले हैं, ठीक है। और हम लोग मार्च वाला कल देखेंगे, अभी के लिए मैं सिर्फ एक बार देख लेता हूँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बच गया तो छोड़ दो, इतना कुछ नहीं। आईसीआईसीआई टू ओपन 450 न्यू ब्रांचेस, ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, करंट डेवलपमेंट नॉट सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये 2019 के डेवलपमेंट है। समझा? यहाँ पे इंडियाज इनिशिएटिव वगैरह वगैरह। तो अब हम लोग इसके बाद कल के लेक्चर में इसी का मार्च का ई बुलेटिन करेंगे। समझा? ठीक है। तो आपको अब ये याद, देखो ऐसे सैंपल क्वेश्चंस अब नए वाले ढूंढ के लाऊंगा मैं आपके लिए, मतलब ढूंढ लिया ऑलरेडी बट हम वो भी करेंगे। तो इसमें सिर्फ आरबीआई का रोल इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। सो अब द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स फ्रॉम डूइंग फॉर 6 months, ये आपको देखो पीएमसी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। Which bank has revised the service charges for deposits, cash withdrawals, non-maintenance, etc. अब ये आपको ऊपर किधर नहीं दिख रहा है। समझा? यहाँ पे तो आपको मार्च का ई बुलेटिन हम लोग देखेंगे, उसमें से हमें आंसर्स मिलेंगे। Who launched the Aadhaar enabled payment system service recently? Indian Post Bank, India Post Bank। पहले क्या होता था, एक बात याद रखो, पहले हर जगह banks नहीं हुआ करती थी, post office में ही banking का भी काम होता था। आप post office में जाके आपका saving account खोल सकते थे और post office के through ही payments भी कर सकते थे। समझा? यहाँ पे तो अब वो लोग Aadhaar enabled payment systems भी available करके दे रहे हैं। समझा? ठीक है, full form याद रख लो इस चीज का, ये तो अब कुछ भी हो जाए। नेम द एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम, एक्सपोर्ट क्रेडिट मतलब क्या? मुझे अगर कुछ एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए अगर मैंने लोन लिया है और मेरा एक्सपोर्ट कैंसिल हो गया तो वो लोन रीपे कर पाऊंगा क्या? नहीं, उसके लिए इंश्योरेंस स्कीम बनाई थी इन्होंने, ठीक है। लॉन्च्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन टू ईज द लेंडिंग ऑफ लोन एक्सपोर्टर्स। तो एक बात याद रखो, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का नाम है निर्विक, निर्यात ऋण विकास योजना। अब इसमें से ना कैसे याद रखना है, याद रखो निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट। आपको हिंदी कितनी आती है मुझे नहीं पता, निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट, ऋण का मतलब होता है लोन। ऋण मतलब ये वाला ऋण नहीं, अगर हिंदी में देखोगे ठीक है तो ये र से नहीं शुरू होता है, ऋण मराठी में इट इज ऋण, ठीक है। ऋण मतलब लोन,
तो एक्सपोर्ट के लिए आपको जो लोन मिल रहा है, मतलब क्रेडिट मिल रहा है, उसे प्रमोट करने की स्कीम है ये, समझा? विकास का मतलब प्रमोशन या डेवलपमेंट, विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, ऐसे ही आपको ये नाम याद रखने हैं। योजना का मतलब होता है स्कीम, योजना का मतलब होता है स्कीम। एक बात याद रखो, अगर मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, अगर मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, ठीक है, तो मुझे अगर क्रेडिट या उधार की जरूरत पड़ी, मुझे अगर क्रेडिट की जरूरत पड़ी, तो अब मैं क्रेडिट तो ले लूंगा, मैं किसी बैंक से लोन ले लूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट करने के बाद जिसको मैंने एक्सपोर्ट किया उसने पैसे नहीं दिए, तो उसने पैसे ही नहीं भेजे, तो मेरा ऑलरेडी इंश्योरेंस निकल चुका था, समझा यहाँ पे? और क्रेडिट गारंटीड स्कीम, ठीक है। अब एक बात समझो, एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने आपसे गुड्स खरीदे, उधार, मैं आपसे उधार मांग रहा हूँ। आप बोल रहे हो सर आप तो हमसे गुड्स उधार ले रहे हो, इसे आप भेज दोगे, आपको पैसे टाइम पे नहीं मिले तो हमारा कौन देगा पैसा, ठीक है? तो इसके लिए ये स्कीम बनाई गई थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, नहीं इतना, ठीक है। आपको कुछ चीजें, विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च भरोसा सेविंग स्कीम्स, छोड़ दो ये पुराना है क्योंकि ये पिछले, विच बैंक प्रेसिडेंट टेक ताके ही को नाकाओ हैज अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन इफेक्टिव फ्रॉम दिस एशियन डेवलपमेंट बैंक, छोड़ दो। अब इसका लेटेस्ट कौन है हम वो ही देख लेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक। Who will head the committee constituted by SEBI to suggest possible measures? सब ई बुलेटिन में मिलेगा, अभी वाले लेटेस्ट वाले नाम। देखो ये सब मैं नहीं करवा रहा हूं, ऐसी चीजें आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि ये एक बार चेंज हो गया तो जिंदगी में कभी भी कितना ई बुलेटिन स्टडी कर ले, अभी लेटेस्ट वाला और इसके पिछले वाला ई बुलेटिन पक्का करना है हमें, समझा यहाँ पे? और ऐसी चीजें जिसकी दर भी मिलती है ना, अब ये नाम तो जिंदगी में चेंज नहीं होगा ना, ये भले ही दो अटेम्प्ट पहले। अब ये वाला देखो, ये बंदा रिजाइन, सॉरी, ये बंदा रिजाइन करके चला गया, हमको क्या करने का है, हो गया, अभी इसका इसका नहीं पूछेंगे हमें, समझा? बट इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, व्हाट इज द इंक्रीज लिमिट, ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज द इंक्रीज लिमिट फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर सैंक्शन बाय आरबीआई इन ऑर्डर टू बूस्ट क्रेडिट टू एक्सपोर्ट सेक्टर। देखो एक्सपोर्ट सेक्टर मतलब जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको पहले लोन्स मिलना मुश्किल होता था, समझा यहाँ पे? ठीक है, तो उनको अब कितना लोन मिल सकता है, 40 करोड़ का लोन अभी उन्हें मिल सकता है, ठीक है, समझा? Who was appointed as the managing director and chief of federal bank? कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की क्योंकि अब लेटेस्ट वाले चेंज हो गए हैं, समझा? तो कल हम लोग ई बुलेटिन इसका करेंगे, फिर हम पॉलिटिकल अफेयर्स पे कल जाएंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ ठीक है, हमारे 8 तो बजने आ गए, 7:45 तक, ऐसा कोई एक घंटा स्पेसिफिक नहीं है, हमने ये सब कर लिया। इसमें का जो लेटेस्ट बजट से रिलेटेड है वो कल हम पूरा ई बुलेटिन सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। Have a great day. See you tomorrow with economics first at 5 o'clock and later on. कल मैं economics extra लेने वाला हूँ बच्चों। Exact 1 घंटा नहीं लूंगा economics में, मेरे 5-6 lectures पीछे चले गए, मेरा पूरा system अब ओके है, तो मैं कल economics extra लूंगा, ठीक है? धन्यवाद मंडली।